हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। माय सेल्फ हिमानी शर्मा, और आज हम नवरात्रि के लिए ड्राइंग बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले एक ड्राइंग शीट ली है, साथ ही एक रफ पेपर लिया है। पेंसिल का यूज करते हुए हम यहाँ पर एक टेंपल का लुक दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर स्केचिंग की है। सीजर की हेल्प से जो हमने स्केचिंग ड्रॉ की थी उसको हम कट कर लेते हैं। कटिंग पूरी होने के बाद हमें शेप मिल गई है। अब इस शेप की हेल्प लेते हुए हम ड्राइंग शीट के ऊपर इसको बीचों बीच ड्रॉ कर देंगे। शेप के साइड कॉर्नर्स पर पिलर का लुक देने के लिए स्केल की हेल्प लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर वाले पार्ट पर हम दुर्गा माँ का फेस ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। स्केचिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। डिटेलिंग हम डायरेक्ट कलर से करेंगे। यहाँ पर मैंने कलर्ड ब्रश पेन का यूज किया है। आप स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं, वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी स्केचिंग की ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइनिंग करने के साथ साथ जितनी भी हमें डिटेलिंग करनी है वो भी हम ब्लैक ब्रश पेन से ही करते जाएंगे। Thank you.
मुकुट की भी ऑलमोस्ट डिटेलिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम कलर्स का यूज करेंगे। अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस का बैक कलर करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का यूज किया है और पूरे फेस पे मैं ऑरेंज कलर को फिल कर रही हूँ। रेड कलर का यूज करके हम बिंदी और लिप्स को कंप्लीट करेंगे। ज्वेलरी और मुकुट के लिए येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज और पिंक और ग्रीन कलर का हमने यूज किया है। आप डिफरेंट कलर को यूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन मुकुट में येलो कलर बहुत ब्राइट लगता है तो येलो कलर, रेड कलर का यूज जरूर करना चाहिए। आप मुकुट की डिटेलिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे भी कलर्स को फिल कर सकते हैं। दुर्गा माँ का फेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बैकग्राउंड की कलरिंग स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैंने ऑरेंज कलर का यूज किया है। टेम्पल का जितना एरिया हमने बनाना था उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर एक कैप का यूज करते हुए मैं बॉर्डर का डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह का डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये नवरात्रि की स्केचिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये नवरात्रि ड्राइंग पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, कंपोजिशन, लाइन वर्क और साथ ही साथ पूजा ताल डेकोरेशन आइडिया, दिया स्टैंड डेकोरेशन आइडिया, इन सभी वीडियोस के लिंक भी शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ जाकर मेरी कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। पूजा का टाइम है तो पूजा का थाल जरूर सजाइएगा। मेरे पूजा के थाल के लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से देखिए एक सुंदर सा थाल कैसे सजाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप दिया स्टैंड भी बनाना चाहते हैं तो दिया स्टैंड की वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। Thank you so much for watching my video.